सास का सबसे पसंदीदा गॉसिप करने वाला कौन होता है? घर में काम करने वाली मासी, बराबर वाली पड़ोसन, सास की अपनी पसंदीदा बेटी? मासी नहीं, बराबर वाली पड़ोसन। I've seen it in too many cases. तो लगता है बराबर वाली पड़ोसन मासी ही है, है ना? नहीं, वैसे गॉसिप बराबर वाली पड़ोसन मैंने I've seen it in many cases. मासी, पर मुझे लगता है मासी है। मासी, एक सेकंड, टॉप किसके साथ गॉसिप करनी है या किसके बारे में? सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, किसके साथ गॉसिप करने में? मासी के साथ, पसंदीदा बेटी के साथ, या पड़ोसन के साथ? और गॉसिप करने में, हां हां, पसंदीदा बेटी के साथ मजा तो पड़ोसन के साथ है ना। मासी के साथ डिपेंड करते किसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, क्या करें? बेटी, आई थिंक मासी ज्यादा, ये लोग मासी कह रहे हैं और पड़ोसन, आई थिंक बेटी, बेटी दो लोग बेटी कह रहे हैं, बाकी घर में घर की बात घर में, और बेटी बेटी जज भी नहीं करती। आपको लग रहा है मासी? हाँ जी, दिखाइए एक्चुअली। ओह सी, उसकी रीजन है अपनी बेटी जज नहीं करती, जज नहीं करती, एंड शी यूजुअली पार्ट ऑफ इट आल्सो। और वैसे भी अम्मा अम्मा को मासी ने जाके बहू को बता दिया, जिसकी गॉसिप करी उसको बता दिया, तो हां बेटी तो नहीं, मासी नहीं, बेटी बेटी अपनी बेटी से गॉसिप करने में, हां अपनी बेटी से गॉसिप। मैं कह रही हूं अगर मासी से गॉसिप करेंगे तो वो जाके बता देगी, बेटी तो नहीं बताएगी। पर जिसकी बेटी नहीं होती वो मासियों से ही करती है, जिनकी बेटी डिपेंड बेटी है कि नहीं। इतना सॉलिड रीजन दिया उसने एंड पर, उस वक्त से वो मासी ही बोल रही थी। हां इसमें जरा ये बेटी बोला था, इसने बेटी बोला कुबरा और इन्होंने बेटी, इसलिए मासी बोला। कैवियट ये कि बेटी होना लाजमी है, अगर बेटी ना हो तो फिर तुम्हें क्या करेंगे? हां कहां के था। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, कुछ सासें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ सासें जिनकी बेटियां नहीं होती वो बेटों से भी कर लेती हैं ताकि उनका दिल का बोझ हल्का हो जाए, और अपनी बहनों से भी कर लेती है, अपनी बहनों से भी कर लेती है। जैसे मेरी अम्मी अभी तक सास नहीं बनी, लेकिन चूंकि सब बहनें अब घर से निकल गई हैं और मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई, तो वो मेरे भाई से ही सबसे ज्यादा बातें करती हैं। तो वो है ना अपने, वो ढूंढ लेती है कहाँ से मुझे एग्जॉस्ट चाहिए। ओके नेक्स्ट सवाल, सास की तबीयत अचानक कब खराब हो जाती है? नंबर वन, जब बहू अपने मैके जा रही हो, जब बहू अपने शौहर के साथ कहीं से आ रही हो, बहू के रिश्तेदार कहीं किसी मेहमान की आमद पर, मतलब बहू का कोई रिश्तेदार इमीडिएट फैमिली आ रही हो दावत पर, तब तीन ऑप्शन। आई थिंक सेकंड ऑप्शन, आई थिंक वो एक जो कहीं से आ रही हो या हॉलीडेज में जा रही हो। नहीं, जब बहू शौहर के साथ, शौहर के साथ से घर आ रही हो, शौहर के साथ घूम फिर कर कहीं आई हो ना, शौहर के साथ, आई थिंक सेकंड ऑप्शन, शौहर के साथ घर आ रही हो, घर आ रही हो, कहीं भी एक अच्छा टाइम गुजार के वापस आ रहे हो, यू गोना एंड अप सीइंग मेरे बगैर डिनर पे चले गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई, गिल्ट में डाल। थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन क्या है कि जब बहू के कोई रिश्तेदार आ रहे हो, बहुत कितने हम लोग है ना, अल्लाह बेचारी सासें तो पानी पानी हो जाएंगी, सुनने सारी सासें ऐसी नहीं होती। नो नो 100%, अरे भाई अभी तो आप ये चलने दे, बहुत ही स्वीट होती हैं, अभी तो इसकी कहानी चलने दे, फिर पता लगेगा ये असल में किस बारे में है। हाँ ये तो अभी तो हमें यही लग रहा है, तो हमने बताया ही नहीं है ना, हमें प्रोमोस देख के तो यही लग रहा है। ओके दिखाएं भाई, क्या सास बहू के मैके जाते हुए? Really? We are all wrong in this. But how is that possible? Okay जी, next सवाल। तो बनता है। हाँ, सास को बहू का कौन सा रिश्ता बुरा लगता है? बहन, माँ या बाप? माँ। माँ। अली आप बताएं, आप चुप क्यों हो गए? बहन। क्या मतलब? बहन का क्या लेना देना? बहू की बहन हमेशा घर आती रहती है ना। अरे यू नो वेट, लॉजिक चेक करो इस लड़के के। सासे, सास की माँ लगे बहू, जो माँ होती है और माँ की जो काउंटर पार्ट होती है बहू की माँ, वो अच्छी दोस्त हो जाती है। बहू की माँ, माँ की नहीं, माँ माँ की, ये सास का एक पॉइंट होगा कि इसकी माँ इसके काम करती है। नहीं, सास अपने उसकी बात नहीं कर रहे कि हमारी माँएं दोस्तें बन जाती हैं। मैं तो कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि और ड्रामा में भी हमारे यही होता है कि दोबारा आ गई। अली की कॉमन सेंस कैसी कॉमन सेंस है? तुम लोग क्या, अली कह रहा है, दिखाएं दिखाएं चलें, अली कह रहा है बहन, तुम लोग कह रहे हो मैं कहता हूं बहन, चलें दिखाएं। आई थिंक मां, मां मतलब मां। हेलो, बहन है बेचारी, वो तो छोटी है, वो तो दब जाएगी, माँ थोड़ी दबेगी। Your common sense is not so common, is it? माँ तो फिर अपने घर है ना, उसको क्या है? नहीं, वो जब बेटी मायके से आती है तो माँ ये कहती है इसकी माँ ने इसके कान भर दिए। एक चीज ये भी है, दूसरा ये है कि बेटी, दूसरी बात ये भी कि बेटी हमेशा अपनी माँ की पहले सुनती है।
आई मीन फर्स्टली सास जो कहेंगे यस, पर जब माँ आती है ना तो हर चीज ओवरराइड हो जाती है, तो आई थिंक वहाँ पे आपका कंट्रोल थोड़ा सा ऑफ होता है। हमें जब कैसे साइकोलॉजी लगा रहे हैं। हाय हाय जी, नेक्स्ट सवाल। बड़ी कुछ जस्टिफिकेशन है इसमें। सास दादी बनने के बाद पोते और पोती से कौन से सवालात पूछती हैं? कल अब्बू और अम्मी क्यों लड़ रहे थे? नानी के घर गए थे तो नानी ने क्या खिलाया? पापा नानी के घर कितनी देर तक बैठे थे? अल्लाह, ये सारे इतने वैलिड हैं। ये कौन है सास? अम्मी अब्बू की सास है। मैं जानना चाहती हूं कौन सास है जो ऐसी बातें करती है। पहले आप मतलब ये सारे क्वेश्चन आम सास मतलब लाइक ये बेटे से पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं? बच्चे से नहीं पूछ रहे, बच्चों की बहुओं से पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चों से नहीं, नहीं पोते पोते और पोता पोती जो एक्चुअली सास के जो पोता पोती होते हैं उनसे वो सवाल क्या क्या करती है? बेटा बताओ कल अम्मी अब्बू की लड़ाई क्यों हुई थी? अच्छा नानी के घर अब्बू कितनी देर तक बैठे थे? सेकंड ऑप्शन, नानी घर थे तो नानी ने क्या किया? पापा नानी के घर कितनी देर बैठे थे, ये भी होता ना। मेरा बेटा ज्यादा देर बैठे। मेरी अम्मी पूछती है अपने कल अबू और अम्मी क्यों लड़ाई हुई, क्या खाया? आई थिंक सेकंड वन, सेकंड आई थिंक नंबर 1 कुड बी एनीथिंग। मासूम है कह रही, मेरी अम्मी पूछती है क्या खाया, क्या खाकर कुबरा पूछेगी क्या खा कर साथ लेके आए आप लोग? यही पूछेंगे नहीं, मैं तो यही खाने की लड़ाई क्यों हुई? देखो ना तुम्हारी सारे लोगों ने सही जवाब। अगला सवाल दिखाएं क्या, यही दिखाते रहेंगे? सास बहू से किस मामले में मुकाबला रखती है? घूमने फिरने के मामले में, दिखाओ ना अभी मैंने पढ़ा, घूमने फिरने के मामले में, जवान नजर आने के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में। वैसे कुछ सासे जवान लगने में भी करती है लेकिन ज्यादातर पहनने ओढ़ने में। पहनने ओढ़ने पहनने ओढ़ने बेटा किसकी बात सुनता है ज्यादा, उस पर समझ आती भी है, लेकिन इनमें है ना सिंह आजकल के साथ से करती है ऐसे सारी पूरे 15 घरों में और सब उन्होंने बताया कितने हजारों एम्प्लॉयज हैं, सॉरी हजारों घरों में। हाँ भाई क्या जवाब है आप लोगों का? जवान लगना पहला किया ना, पहनने 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 ओके जी दिखाएं, पहनने ओढ़ने के मामले में ओए होए नूरजहां करने के बाद एक ठीक हुआ है। नूरजहां करने के बाद आप लोग काफी वाकिफ हो गए हैं माशाल्लाह इन चीजों से, जबकि सासों की रेपुटेशन भी साइकोलॉजी से। हाँ लेकिन देखें सारी सासें अच्छी नहीं, मैं बार बार यही कहूँ, सारी बहुएं भी अच्छी नहीं होती। हाँ और क्या, बहुत बुरी होती है बहुएं भी, काफी हद तक जो है वो घर की क्वालिटी ऑफ लाइफ बरबाद कर देती है। देखिए जोया आप इधर आई हुई हैं नूरजहां के लिए, तो कीप दैट इन माइंड क्या बात हो रही है और किस तरह